जयपुर में जारी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन, पीएम गृहमंत्री की बैठक के बीच पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता हुए नजर बंद। एनएसयूआई ने दो दिन पहले पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था और अमित शाह का स्वागत काले झंडे के साथ करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते इन्हें नजरबंद किया गया। वहीं इससे पहले कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन पीएम मोदी ने खालिस्तान और आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर चर्चा की तो मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण विषय को देश के सामने चुनौती बताया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और मिनिस्ट्री के अन्य मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों से मोदी ने बातचीत की। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के बाद आज जम्मू के दौरे पर, राज्यों में तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। बैठक में नड्डा 51% वोट हासिल करने की रणनीति बनाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, साथ ही प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगा मंथन। वहीं उत्तराखंड में भी आज प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर खासतौर पर चर्चा होगी। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा में तय हुआ एजेंडा, योजना के साथ हर घर पहुंचने का लक्ष्य, पीएम सहित अन्य वरिष्ठ करेंगे मोर्चा की सभाओं को संबोधित। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि सभी मोर्चों की पहुंच जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा हो। बैठक में संगठन को पहले से और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां काफी तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 जनवरी को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 8 जनवरी को जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर रहेंगे, वहीं 10 जनवरी को नड्डा असम का दौरा करेंगे और इस दौरान नड्डा राज्य इकाई की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित भी करेंगे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर तेज की कवायद, पार्टी की गठबंधन समिति अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर तय करेगी बात। गठबंधन समिति के सदस्य 7, 8 और 9 जनवरी को कई राज्यों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर आप और जेडीयू से सबसे पहले होगी बात। गठबंधन में राज्य का फॉर्मूला अलग अलग होगा, कमेटी के सदस्य उन दलों से बातचीत करेंगे जिन दलों ने अपने प्रतिनिधि को बातचीत के लिए अधिकृत किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर फिर कहा कि पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक है, सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी को हराना चाहती है। वहीं मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। वहीं अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कहा कि भगवान राम जब बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आज बजट की बैठक के बाद गुजरात रवाना होंगे सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। केजरीवाल शनिवार को ही गुजरात दौरे पर जाने वाले थे लेकिन दिल्ली बजट की अहम बैठक की वजह से वो रुक गए, वो अब आज रवाना होंगे। गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जेल में बंद आप विधायक चेतर वसावा से भी मिलेंगे और वसावा के समर्थन में आज रैली भी करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के यूपी दौरे का दूसरा दिन, लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं पर आरएलडी की नजर, मेरठ से आज से होगा युवा संसद का आगाज, जयंत चौधरी और चंदन चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोक दल की मौजूदगी में इसका शुभारंभ करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग, आज राज्यों के दौरे पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा कर आम चुनाव के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। राजस्थान में आज 3 सरकारी भर्ती की परीक्षा, सुरक्षा के चलते कई जिलों में बंद रहेगा इंटरनेट, राज्य में सरकार ने बनने के बाद ये पहली भर्ती परीक्षा हो रही है।
इसरो ने रच दिया एक और इतिहास, आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचा। हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 की एंट्री, हेलो ऑर्बिट पे 5 साल तक रहेगा आदित्य L1। पीएम मोदी ने इसरो को दी बधाई और पीएम ने कहा अंतरिक्ष में भारत की एक और कामयाबी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च, खड़गे बोले यात्रा को आप लोगों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस की यात्रा जन जागृति के लिए है, 12 जनवरी को जारी होगा यात्रा का थीम सॉन्ग। बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा हमला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले खड़गे कि ये संविधान को संविधान नहीं समझते, नागपुर के संविधान पर चलते हैं, विपक्षी दलों पर बीजेपी कराती है कार्रवाई। 17 जनवरी को सीएम नीतीश का कोलकाता दौरा, लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार, ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर सेमिनार कार्यक्रम में लेंगे भाग। टीएमसी नेता शहनजा शेख पर शिकंजे की तैयारी में ईडी, कर सकती है कोर्ट का रुख, अधिकारियों पर हमले के आरोप में करेगी गिरफ्तारी की मांग। बजट को लेकर कल हुई दिल्ली सरकार की बैठक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक, वित्त मंत्री आतिशी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विकसित भारत 2027 में युवाओं की भूमिका विषय पर एनआईटी और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। हरिद्वार में हुआ पतंजलि के गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम का शिलान्यास समारोह कार्यक्रम, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े वीआईपी नेता रहे शामिल। यहां छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से लेकर विश्व की 5 भाषाएं सिखाई जाएंगी, करीब 250 करोड़ की लागत से निर्मित होगा गुरुकुलम। बंगाल में राशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी नेता शंकर आध्या गिरफ्तार, ईडी की टीम पर टीएमसी समर्थकों ने किया था हमला, ईडी की एक टीम ने आध्या के ससुर के आवास पर मारा था छापा। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव के विरोध में मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की आज राष्ट्रीय हड़ताल, 8 जनवरी सुबह 6 बजे तक चलेगी हड़ताल। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी लोगों के हितों के लिए सरकार में आई है लेकिन बेरोजगारी सुरक्षा को लेकर अब कोई हल नहीं निकाल पाई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा में आईवी रॉ के साथ ली जाएगी एआई की मदद, खरीदे जा रहे हैं अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने तैयार किया डेटाबेस। बंगाल में राशन घोटाला मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी नेता शंकर आध्या गिरफ्तार, ईडी की टीम पर टीएमसी समर्थकों ने किया था हमला। शंकर आध्या की गिरफ्तारी के वक्त मौके पर भारी भीड़ थी, ईडी की एक टीम ने आध्या के ससुर के आवास पर छापा भी मारा था। कूचबिहार से टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, कहा कि ये तो होना ही था, भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारे टीएमसी नेताओं के नाम थे। शंकर उसको गतकाल अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? तो होना ही था, जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा। दिल्ली महिला आयोग से स्वाति मालीवाल ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी ने मालीवाल को राज्यसभा के लिए किया है नामांकित, पहली बार राज्यसभा जाएंगी स्वाति मालीवाल। राम मंदिर को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर अनिल विज ने किया पलटवार, कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अस्पताल अपनी जगह है और मंदिर अपनी जगह है। डिप्टी सीएम ने राम मंदिर को लेकर एक ट्वीट किया है, कहा है कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो पहले हॉस्पिटल की आपको जरूरत है या फिर मंदिर की। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जगह मंदिर अपनी जगह। श्रीकांत पुजारी की जमानत पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा कि कोई केस नहीं था, कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी लोगों के हितों के लिए सरकार में आई है लेकिन बेरोजगारी सुरक्षा को लेकर अब तक कोई हल नहीं निकाल पाई।
एमपी में शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे सीएम मोहन यादव। कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि पूर्व सीएम द्वारा नियुक्त कलेक्टर्स और अधिकारियों को हटा रहे हैं मोहन यादव। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान में 72 आईएएस और 121 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। राजस्थान के करनपुर चुनाव में 80.50% हुआ मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के निधन के चलते फिर से हुआ है चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भगवान राम सबका ख्याल रखेंगे। 22 जनवरी को होगा उद्घाटन। पीएम ने करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया। महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी को बड़ी कामयाबी। 15,000 करोड़ रुपए के महादेव बैटिंग ऐप मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीक्षित कोठारी है। पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद माटुंगा पुलिस ने दर्ज किया था मामला। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस की जहां पर भी सरकार रही है वहां लूट मचाई है। उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर जारी है। दिल्ली में 9 जनवरी को बारिश की संभावना भी है। वहीं यूपी बिहार में कई जगह छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया। ड्रोन तस्वीरों में कोहरे के आगोश में लिपटी दिखी राजधानी। विजिबिलिटी घटने से हेडलाइट ऑन करके सड़क पर रेंग रहे हैं वाहन। राजस्थान के चुरू में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आसमान में छाए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कड़ाके की ठंड से पेड़ पौधों पर गिरी ओस की बूंदें जमी। श्रीनगर में भी ठंड का कहर जारी है। तापमान में गिरावट से शीतलहर से राहत नहीं। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वहीं यूपी के मैनपुरी में भी ठंड का सितम। कोहरे और शीतलहर से लोगों का जीना हुआ मोहाल। विजिबिलिटी घटने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी। यूपी के मथुरा में शीतलहर और घना कोहरा बरकरार। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी। कानपुर में ठंड बढ़ी। शीतलहर और कोहरे की वजह से लोग घरों में दुबके। आने वाले दिनों में सभी अभी और गिरेगा पारा। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में बारिश होने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल कोहरे से कोई राहत नहीं मिलने वाली। जयपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कड़ाके की ठंड में भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। शीतलहर और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। यूपी पुलिस को हाईटेक पुलिस बनने वाले अधिकारी राहुल श्रीवास्तव पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज। पीड़िता की शिकायत पर लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज किया गया। राहुल श्रीवास्तव के साथ साथ उनकी पत्नी माननी श्रीवास्तव, दोस्त सौरभ, सतीश विक्रम, सिद्धार्थ और अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। गुजरात के वलसाड में एक तेल कंपनी में लगी भीषण आग। जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली में मोदी मिल फ्लाईओवर के पास वन क्षेत्र में लगी आग। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची 7 दमकल की गाड़ियां। हिंसा और विपक्ष के बॉयकॉट के बीच बांग्लादेश में आज मतदान। पीएम शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बीच है जोरदार टक्कर। चुनाव आयोग के मुताबिक देश भर में 42,000 से ज्यादा अधिक मतदान केंद्रों पर 8 घंटे तक वोटिंग होगी। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की संसद में 300 सीटें हैं। 50 सीट महिलाओं के लिए हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है। बांग्लादेश के 12वें आम चुनाव के लिए मतदान आज स्थानीय समय के अनुसार सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव में 27 राजनीतिक दलों के 1500 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और उनके अलावा 436 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव की निगरानी भी करेंगे।